इस YouTube चैनल पे। तो बाबू लोग इसमें जो हम लोग देखेंगे वो क्लास नौवीं, ठीक है, क्लास नौवीं का जो है आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और वीडियो होगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, चैनल के ऊपर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बिना समय का हुए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बना, तो बाबू लोग बताते चले कि 1791 में, कब 1791 में, ठीक है। चलो बाबू लोग आगे देखो, आगे दिया हुआ है कि नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यकता योग्यता क्या थी। तो नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की जो आवश्यक योग्यता थी वो क्या थी, तो बाबू लोग बताते चले कि ऑप्शन यहाँ पर चार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 25 वर्ष से अधिक उम्र का होना जरूरी चाहिए, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर, मतलब कि मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो, पुरुष होने चाहिए और सभी, मतलब ये सभी चाहिए था जो नेशनल असेंबली में चुनाव मतदाता बने कि उसमें महिलाओं की भूमिका नहीं था और ये तीनों क्राइटेरिया जरूरी चाहिए था, ठीक है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ कहता है कि लुईस 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी 1993 को फांसी दे दी गई। तो किस आरोप में फांसी दे दी गई थी, तो बाबू लोग बताते चले कि देशद्रोह के आरोप में, ठीक है, देशद्रोह के आरोप में फांसी दिया गया था। आगे दिया हुआ प्रश्न, ठीक है, आगे प्रश्न दिया हुआ, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि वाटरलू जो था का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। तो वाटरलू की जो महत्वपूर्ण युद्ध जो हुआ था वो बताते चलें कि 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है, तो भारत की समुद्री तट रेखा जो है वो यहाँ पे देखिए 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर है, जो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है, कहता है कि भारत की मानक यमोत्तर कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बाबू लोग बताते चलें कि मिर्जापुर से, जी हाँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि भारत के पश्चिमी में कौन सा सागर स्थित है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है, तो अरब सागर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आगे दिया हुआ है, कहता है कि रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया। तो रॉबर्ट मुगाबे को जो राष्ट्रपति पद से हटाया गया था वो 2017 में हटाया गया था, कब 2017 में हटाया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया हुआ कि इनमें से कौन सा शासन प्रणाली के अधिकतम जवाबदेह वाला है, मतलब कि इनमें से कौन सा शासन प्रणाली अधिक जवाबदेह वाला है। तो जो अधिक जवाबदेह वाला है वो लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र है वो अधिक जवाबदेह वाला शासन प्रणाली है, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे सेक्शन बी वाले प्रश्न हम लोग देखेंगे, दो प्रश्न रहेगा, दो अंक वाले प्रश्न रहेंगे और ये 4 नंबर का होगा ये, ठीक है, और जिसको हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर, देखिए समझिए, अप्रत्यक्ष कर किन वस्तुओं पर लगाया जाता था। तो अप्रत्यक्ष कर जो लगाया जाता था नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पे दिया हुआ कि फ्रांस ब्राज़ील ईरान और पुर्तगाल में से कौन सा भारत से बड़ा देश है। तो ब्राज़ील जो है वो भारत से बड़ा देश है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ सेक्शन सी में 2 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक वाला पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न कहता है कि 82 डिग्री, ठीक है, 82.30 मतलब इस जगह पर दिया हुआ, ठीक है,
तो चलिए प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के मानक अक्षांश क्यों चुना गया है। तो 82.33 अक्षांश को भारत का मानक अक्षांश चुना गया क्योंकि यह उन अक्षांशों एवं देशांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है जिनसे या जिनमें हमारा देश स्थित है। यह प्रयागराज इलाहाबाद के नज़दीक की मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST जो भारतीय मानक समय है की गणना की गई है, ठीक है, अक्षांश से की जाती है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर कस्बे के एक दम पूर्व से गुजरती है। समय के अंतराल के कारण किसी प्रकार की भ्रम से बचने के पूरे देश के लिए एक मानक समय दिया गया है, ठीक है। जो ठीक, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ यहाँ पे कि दिया हुआ जो क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा दूसरा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। ये उनकी सीमाएं पड़ोसी देश है, आप कह सकते हैं कि पड़ोसी देश का नाम ये है, ठीक है। सेक्शन डी में दिया हुआ है, सेक्शन डी में दिया हुआ लोकतंत्र क्या है इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र का अर्थ है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, वे ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। इसमें नियमित अंतराल में निष्पक्ष या स्वतंत्र चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो वर्तमान शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों के वो समान रूप से उपलब्ध होता है। चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित बुनियादों, कानूनों तथा नागरिकों अधिकारों के दायरे में रहते हुए कार्य करते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं इस प्रकार से है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं, देखिए यहाँ पे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करता है, ठीक है। प्रमुख फैसलों का निर्वाचित नेताओं के हाथ, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका ये प्रश्न आप इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है, कहता है कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांत से अवगत कराया। यह भावना धीरे धीरे विश्व के अन्य हिस्सों में पहुंचा जिससे विश्व और यूरोप के बाकी देश भी एक एक करके आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने लगे। उपनिवेशी शक्तियों के साथ लोकतंत्र उदारवाद और आज़ादी की भावनाएँ में पहुँची। इससे प्रभावित होकर उपनिवेश के लोगों ने अपना हक मांगना शुरू किया। हम कह सकते हैं कि आधुनिक दुनिया में जिस तरह से लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद प्रसार देख रहे हैं वह फ्रांसीसी क्रांति का ही देन है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। तब तक आप सर विदा लेते हैं, जय हिंद।